चलिए एक मज़ेदार सफ़र के बारे में और आपको बताता हूँ और आपको ले चलता हूँ। ये जो देख रहे हैं ये वो वक्त है, ये वो पल है जब मैं तुतला भवानी जा रहा था और जो रास्ते में मैंने एडवेंचर किया। एक बहुत अच्छी लोकेशन पर मैं खड़ा होकर के आसपास मतलब चीज़ों को देख रहा था। मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप नहीं था और थोड़ा ये सितंबर का नहीं अक्टूबर का टाइम था तो मौसम खुला हुआ था, तो ये बहुत खुशमिजाज मौसम था। तो मैं कुछ देर के लिए यहाँ रेस्ट कर रहा था तो यहाँ के आसपास के हरियाली खूबसूरती और नेचर को देख रहा था, बहुत अच्छा लगा और कुछ पोज भी दे रहा था। तो बहुत रोचक और बहुत मज़ेदार ये जर्नी है। अभी आगे तक अब आप बने रहें और ये थोड़ा स्टाइल में मैं अपने आप को सूट करता हुआ ट्राईपॉड से, ये देखिए इसके आसपास इतना ग्रीनरी था कि, और प्लस में धूप भी नहीं था और ये मौसम जो था मतलब स्टार्टिंग अक्टूबर का था तो बहुत मस्त कर देने वाला। ये देखिए ये वो झरना है जिस झरने को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है और लोग बिहार ही नहीं ना जाने कितने राज्यों और कितने कंट्रियों से यहाँ आते हैं। और ये देखिए ये इसकी खूबसूरती देखिए, जिस तरीके का ये पहाड़ है, जिस तरीके की सीढ़ी है या जिस तरीके का झरना, और ये मैं हूँ सबको बाय करता हुआ और इस जर्नी का जो हीरो है वो मैं ही हूँ। और चलिए मैं कैमरे को रोटेट करके मतलब उन चीज़ों को दिखा रहा हूँ जिनके लिए मैं भी आया हूँ और लोग भी आते हैं। तो सबसे सर बड़ी वीडियो आपका खूबसूरती बना ये सकते हैं झरना, ना, और झरने के बाद ये आपका वीडियो जो बना है सकते हैं मतलब ना। फ्लोटिंग ब्रिज है इसको बनाया वंडरफुल, गया इसका है। और ये फर्स्ट जो बना भाई दिया। साहब आ रहे हैं इनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थैंक यू वेरी मच सर। कि अब मुझे टिकट भी नहीं लेना पड़ता है और ना मुझे ट्रैवल के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो गाड़ी है वो भी मुझे मतलब फ्री है। तो यहाँ पर कई बार मैं चला गया तो इनसे अच्छी दोस्ती हो गई। ये देखिए जगह जगह पर वार्निंग बोर्ड और जो यहाँ के गवर्नमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बिहार गवर्नमेंट उनका जो है वो हर चीज़ नोटिफिकेशन लगा हुआ है कि लोगों को क्या क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पर ये झरना है, अभी बरसात का मौसम नहीं है तो थोड़ा बारिश के वह कम है इसलिए ये झरने का पानी अभी आपको कम दिख रहा है, वरना ये नदी की तरह यहाँ से फ्लो करता है और लोग आते हैं यहाँ नहाते हैं। अभी भी कुछ लोग नहा बहुत रहे होंगे शानदार तो आपने लोग टूरिस्ट मज़े लेते रहते ज़िंदगी के। ये देखिए स्पॉट। इतना अच्छा इतना मस्त ये जर्नी था मेरा और सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ के लोगों से मुझे बात करके, यहाँ के जो ऑफिसर्स या इसके आसपास जो मार्केट में जो शॉपकीपर्स थे उनसे बात करके, दुकानदारों से मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सबने मेरी बहुत आईडी वगैरह भी ली और इस तरीके से ट्रीट करते जैसे मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ पत्रकार हूँ। मतलब मेरे हाथ में ट्राईपोड था और जिस तरीके से मैं लोगों से क्वेश्चन कर रहा था और पूछ रहा था उनको लग रहा था कि मैं व्लॉगिंग नहीं मैं एज ए रिपोर्टर पूछ रहा हूँ। यहाँ तक कि मुझसे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर ने पूछ दिया कि आप किस चैनल से रुक हो। जाओ रुक जाओ। तो जब मैं यहाँ 2-3 बार लगातार चला गया तो उन्होंने मेरा यहाँ का टिकट भी फ्री करा दिया, काउंटर पर बोल दिया मेरे सामने कि इनसे टिकट मत लिया कीजिए। और ये मैं हूँ ध्यान से कैमरे में देखता हुआ और अपने पीछे को चीज़ों को शूट करता हुआ, काफ़ी अच्छा लग रहा था। कभी कभी मैं खुद को भी शूट कर लेता हूँ, कभी कभी हीरो की तरह बाजुएं फैला करके और ऐसे पेश करता हूँ जैसे शाहरुख खान एक है और दूसरा मेरा नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो काफ़ी मज़ेदार जर्नी है। और यार इस वीडियो के लास्ट में आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जब मैं पहली बार तुतला भवानी गया था किसी ने मुझे सजेस्ट किया था तो उस वक्त की भी वीडियो क्लिप है एक मेरे पास, 1-2 मिनट की, 1 मिनट की, वो वीडियो क्लिप देखना। उसमें मेरी दाढ़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं और थोड़ा सा मैं अलग ही लग रहा हूँ, और अभी आप इस इमेज को या इस वीडियो को आप फुटेज को देख रहे हो तो बिल्कुल अलग है। आप दोनों को देखना, पिछले साल वाले को भी और इस साल वाले को भी, बहुत अंतर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जितना ट्रैवल करने में ब्लॉग शूट करने में मज़ा आता है इन जगहों पे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं सबको यहाँ पर हाय बाय बोलता हूँ, आपको दिख रहा होगा जो भी लोग थे। ये देखिए ये जो है यहाँ पर यही मंदिर है, देखिए गेट खुला हुआ था इस दिन मुझे दर्शन हुए, वरना जनरली गेट बंद होता है और इस दिन क्राउड नहीं था क्योंकि ये दिवाली की सुबह थी। कुछ क्लिप्स दिवाली की सुबह की है, कुछ क्लिप्स उसके पहले की भी है, मतलब बहुत सारे मैंने क्लिप्स को जोड़ करके एक क्लिप बनाया है। और एक क्लिप ऐसा भी है जो आपको पिछले साल का मिलेगा, ये देखो ये टॉप है जो मंदिर के पास का, यहाँ से नीचे की चीज़ें दिख रही हैं। और अभी मैं रोटेट करके आपको दिखाऊंगा कि मैं इधर से आया हूँ, ये है मंदिर, ये है बाबा। ये इनको पता था कि मैं कैमरे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ तो ये इन्होंने भी अपना अच्छा खासा पोज दिया। और ये देखिए झरने से पानी गिरता हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत मतलब मनमोहक नज़ारा था। और ये सामने जिस तरीके का डाइवर्सिटी है, ग्रीनरी है, वो अमेजिंग है। मैं उन लोगों की तरह ब्लॉग नहीं करता हूँ कि आज मैं स्कूटी से आया हूँ, मेरे साथ एक कुत्ता है, उसका पूंछ टेढ़ा है, ऐसी ब्लॉगिंग नहीं। मैं हर चीज़ आपको बारीकी से बताता हूँ, आप मेरे पुराने व्लॉग्स वीडियोज़ में जाएँ, मैं ज्योग्राफिकल वे में डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा रास्ते का एडवेंचर था इसलिए मैं थोड़ा सा एडवेंचरस मूड में आकर के आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं लगभग लगभग 200 फीट या 300 फीट ऊपर है, लगभग मुझे लगता है कि झरना 200-250 फीट ऊपर से गिर रहा है, मतलब 300 अप्रॉक्सीमेट हम बोल सकते हैं। और ये देखिए ये मैं हूँ जो मंदिर के पास खड़ा हूँ और मंदिर काफ़ी छोटा है। और मैं बता दूँ कि ये जो मंदिर है
ये 1158 में बनाया गया था, और 1158 के बाद यहाँ पर लगातार लोग आते जाते हैं और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जो आपने फ्लोटिंग ब्रिज देखा था वो भी अभी बहुत साल पहले नहीं बना है, 2-3 साल जस्ट पहले बना हुआ है फ्लोटिंग ब्रिज। कई बार तो ऐसा होता था कि लोगों को झरने का पानी और रॉक्स जो बड़े बड़े पत्थर थे उन पर चढ़ करके आना पड़ता था। तो अब मैं यहाँ पर जो भी दर्शन करना था, यहाँ के पंडित जी से बात करना था, एक बाबा और भी बैठे हुए उनसे भी बात करना था, उनसे मैंने बात कर लिया। अब मैं जाने की मतलब कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए बहुत सी घंटियाँ हैं मेरे पीछे, बहुत सुंदर लग रही थी तो मुझे ला के लेना चाहिए। और ये घंटियाँ इसलिए हैं क्योंकि बहुत लोगों का मन्नत पूरा होता है तो वो यहाँ पर चुनरी बांध देते हैं और घंटियाँ बांध देते हैं। कई लोग तो यहाँ पे पत्थर के ऊपर पत्थर चढ़ा करके रख देते हैं मन्नत जब मांगते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे पता नहीं थी, मैं वहाँ जाने के बाद लोगों से पूछा तो लोगों ने मुझे बताया। कई लोगों ने मुझे कमेंट में भी सजेस्ट किया कि ये इसलिए किया जाता है। वो पत्थर वाली बात जो थी कि पत्थर के ऊपर पत्थर रख के विश मांगा जाता है, मुझे नहीं पता था, वो लोगों ने मुझे बताया। और ये 360 मैं रोटेट करके दिखा रहा हूँ कि किधर से एंट्री करना है भैया, किधर से एग्जिट करना है। मैं सबसे टॉप पे हूँ अभी, टॉप से नीचे जा रहा हूँ बॉटम की तरफ, दूसरे साइड से मंदिर का दर्शन करने के बाद। तो मतलब ज्योग्राफिकल वे में अगर मैं बात करूँ तो ये जगह लोकेटेड है तिलौथू प्रखंड में, और तिलौथू लगभग डेहरी ऑनसोन सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पर, 30 किलोमीटर मैं मान लेता हूँ। 30 किलोमीटर बाद ये रोड से जो मेरा मेन रोड है वहाँ से लगभग लगभग 8 किलो अंदर अंदर आना पड़ता है पहाड़ की तरफ, तो आप इस जगह पे आ जाओगे। ये नाम, ये जगह है तुतला भवानी, शक्तिपीठ है माँ जगदम्बा का, माँ तुतलेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। 1158 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो थोड़े बहुत इसके मतलब फिज़िकल एड्रेसिंग थी वो मैंने आपको बता दिया। और ज्योग्राफिकल में मैं बोलूँ तो इसका जो ग्रीनरी है और जो माउंटेन है, माउंटेन इसको बोलते हैं रोहतास का पहाड़ बोलते हैं, लगभग 300 फीट ऊपर से झरना गिरता है यहाँ पर, और लगभग 60-70 फीट ऊपर जो है मतलब 100 फीट के आसपास वो मंदिर है, और लगभग लगभग आपको 200 मीटर का एक फ्लोटिंग ब्रिज है, 200 मीटर का एक फ्लोटिंग ब्रिज है। तो मैंने आपको ज्योग्राफिकली भी समझा दिया, फिज़िकली भी समझा दिया। और रही बात थोड़ा एडवेंचर की, तभी मैं जा रहा था तो कुछ लोग मुझे नोटिस करते, कुछ क्या एक बच्चा नोटिस कर रहा था क्योंकि मैं इस टाइम पे गया था, अभी शाम के 4 बज रहे, मुझे लगता है कि लोग यहाँ से एग्जिट करने लगे थे, और मैं फेस्टिवल के टाइम पे गया था तो सभी लोग अपने घर में बिजी होंगे, लेकिन मैं ऐसा इंसान था जो कि फेस्टिवल को फेस्टिवल ना मान करके अपने ब्लॉगिंग को इंपॉर्टेंस दे करके ब्लॉग शूट करने आ गया। तो अच्छा था, रोचक था, एडवेंचर काफ़ी था, चीज़ों को मैं बीच बीच में भी कई जगह शूट करता था। एक बच्चा देख रहा है, इसने आईडी भी लिया था, अब ये कैमरे में आने की कोशिश कर रहा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि शाम को दिवाली था, मुझे फटाफट निकलना था, तो मैं बाय बोल करके निकलने लगा। और बहुत मज़ेदार रहा। अभी एक फुटेज दिखेगी आपको पिछले साल की, उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा जो बियर्ड है, दाढ़ी काफ़ी घना है, थोड़े बाल भी मेरे बड़े हैं, और हो सकता है मेरा जो मतलब थोड़ा चेंजिंग हुआ। आप देख लेना और कमेंट करके बताना विच वन इज़ बेटर। तो चलिए, ये रास्ता था, बहुत तेज़ पसीना मुझे आ रहा था क्योंकि मैंने पानी पी रखा था, तो चनचनाती हुई धूप मुझे लग रही थी। तो रास्ते का ही मैंने आपको बता दिया है, और भाई शेयर करो, ये बॉटल था, पानी था, मैं खुश था। और यहाँ का पानी बहुत मस्त है, बहुत मीठा पानी है, क्योंकि पहाड़ है, झरना है। ये देखिए लास्ट ईयर का क्लिप है, और बहुत प्यारी सी है, मुझे फोटो लग रही है, मैंने अभी जब देखा तो मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि इस फिगर को आप देखना, पिछले वाले फिगर को देखना, बहुत अलग है। तो जैसा लगे ये व्लॉग बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स अ लॉट।